भागलपुर शाहकुंड प्रखंड सजौर थाना क्षेत्र के पंचायत किशनपुर खोरिया ग्राम जगरनाथपुर वार्ड नंबर 7 महर्षि में ही सत्संग भवन के महंत 2 साल से पानी पीने के लिए तरस रहे हैं और अभी तक पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि महंत से रूबरू कराते हैं, आइए आपको उनकी जुबानी। उनको बोला कि पानी बैंक दे रही और यही कहते रहा। उसके बाद लास्ट में जब गए तो बोला कि पैसा जो का खत्म हो गया और अपना पाइप दी। हम अभी मौजूद हैं भागलपुर जिला शाहकुंड प्रखंड सजौर थाना क्षेत्र में, पंचायत अमखोरिया है, ग्राम जगन्नाथपुर वार्ड नंबर 7 और यहाँ महर्षि में ही सत्संग भवन है जो कि यहाँ जल नल योजना का पानी अभी तक 2 साल से आवेदन पड़ रहा है और अभी तक यहाँ पानी का उपलब्ध नहीं कराया गया है। और यहाँ के एक महंत है, बाबा हैं जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, उसने आवेदन भी दिया कई बार, बहुत जगह वीडियो को भी दिए आवेदन, हर पदाधिकारी को आवेदन दिया और सब ने बता रहा है कि जांच होगा। जांच करते करते अब कब तक पानी मिलेगा, यही बिहार का स्थिति है। मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू, आपका सुशासन का राज है और देखिए यहाँ महर्षि में ही आश्रम भवन जो है यहाँ पे पानी का सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो यही आपका स्थिति है बिहार का। आप बोलते हैं जल नल योजना, हरियाली योजना, यही आपका जल नल योजना है और हम यहाँ के मान से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और बात कर रहे हैं। बताइए बाबा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। हम जब यहाँ आए थे 2014 चाड़ा में मुख्यालय बना था, वहाँ पे आने वाले थे, उस टाइम से हम बोले कि ठीक है, फिर हम अनुमंडल में दिए, वहाँ भी 1 साल लगवा गया। उसके बाद फिर वीडियो के पास गए तो वीडियो साहब बोला कि ठीक है देंगे, यही कहते रहा। उसके बाद कलेक्टर साहब का भी फरवरी में अगले साल आदेश, अब 2 फरवरी आने वाला है। फिर नया वीडियो साहब है, ये भी बोला हम जाँच करेंगे। अब जाँच कब तक होगा हमको तो ये समझ में, क्या जाँच करेंगे जब कलेक्टर साहब का आदेश हो गया कि पानी देंगे, लेकिन ये जाँच पे जाँच हो रहा, हमको तो पता नहीं कब पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। कहाँ आपने आवेदन दिया? मतलब यहाँ ब्लॉक गए, उसके बाद अनुमंडल होता है प्रथम द्वितीय अपील, उसके बाद लास्ट DM साहब का आदेश मिला था। उसके बाद बोला हाँ मिलेगा, बोला 15वीं योजना का पैसा आएगा, 15वीं योजना का पैसा आएगा, हमको तो बताता नहीं कि आया कि नहीं आया। उसके बाद अभी फिर नया वीडियो आया, इसके पास भी गए तो उन्होंने BPRO जाँच लिखा है, लेकिन जाँच के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। जाँच के लिए अभी तक कोई नहीं आया पदाधिकारी, कोई नहीं। पहले पिछला साल BDO साहब आए थे जाँच करके, उन्होंने सब कुछ लिख के ले गया, और ना जबकि अमीन साहब मेरा नाप के भी दिया है और DM साहब का आदेश हो गया कहाँ पानी देना है। तो वीडियो साहब उस टाइम तो मोबाइल पे क्या बोलते वीडियो कॉलिंग में बोले थे हाँ देंगे, वो वीडियो साहब भी चले गए। नया वीडियो साहब आया, इन्होंने बोला हम जांच करेंगे, तो नया वीडियो आते रहेंगे, जांच होते रहेंगे। जब हमारे जैसे आदमी को नहीं मिलेगा तो और आदमी को क्या पानी मिलेगा, जबकि यहाँ कितना भीड़ होता है हर संडे को सत्संग का, और जनता को पानी कई बार बोला वीडियो साहब की मंदिर में हम नहीं देंगे क्योंकि सरकार का वेस्टेज धन होगा, तो मंदिर भगवान थोड़े पानी पीते हैं, पानी तो आदमी पीते हैं। वही वीडियो साहब बोले थे कि हम मंदिर में सरकार का वेस्टेज होगा, तो हम बोले भगवान को क्या चाहिए, और अगर नहीं है मंदिर में तो हमको सब जगह बता दे। अब यहीं 5-6 नंबर वार्ड में देखिए टंकी गाड़ा हुआ है, उसी के अंदर मंदिर के अंदर काली स्थान है, जाके देख लीजिए। उसके बाद यहाँ 7 नंबर वार्ड में बजरंग बली है, वहाँ भी टंकी लगा, उसके ऊपर भी पानी जा रहा है, तो कहीं मंदिर में नहीं होना चाहिए। और कुपा घाट में जाकर नगर निगम का अभी नया बोरिंग किया 350 फीट, वो भी तो मंदिर है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग जब इतना परेशान हो रहे हैं बाकी आदमी को क्या मिलेगा। हम तो यही देख रहे हैं कि 2 साल हो गया कि जब DM साहब आए तो बोला हाँ करते हैं 15वीं, और हमको बताएगा तब ना कब पैसा आया नहीं आया। अभी इधर भी गए वीडियो साहब, परसों गए तो वीडियो साहब था ही नहीं, और कब मिलेगा इसका तो हमको पता ही नहीं क्या होगा। तो जल नल के बारे में नीतीश बाबू का सुशासन सरकार है, सरकार तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बोल रहे हैं कागज में सब कुछ रहा, लेकिन हमको तो नहीं मिल रहा था, हम बाकी क्या धरातल पे कुछ नहीं आ रहा। अभी तो हम देख रहे हैं, हम अपना पर्सनल देख रहे हैं, हमको 2 साल से दौड़ते रह रहे हैं, जबकि यहाँ DM साहब तो चले, बाकी और आदमी क्या चला जाए कि 7 नंबर वार्ड में अभी बहुत कम से कम 20-30 घर है जो कि पानी नहीं मिला, 50 घर जो कि पानी नहीं मिला अभी तक। तो हम तो जब हम अपना मान लो हम अकेला है तो जा रहे हैं, बाकी आदमी गरीब आदमी क्या जाएगा, DM तक जाने के लिए पैसा भी चाहिए आदमी को, रोज जाएगा, आज नहीं हुआ अगला डेट 1 महीना बाद सीधा मिलता है, लोक सेवा में क्या दशा।